नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, ज्योतिष की इस अंक में हमारे दर्शक हैं साक्षी जी। जी हाँ, साक्षी जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, और उनका प्रश्न उनकी बहन के लिए है कि उन्होंने 12th पास कर ली है और अभी किस क्षेत्र में जाएं तो बेहतर रहेगा। तो आपको बताना चाहेंगे साक्षी जी कि अगर आपकी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट आपने भेजी हुई है, गणना भी एकदम एक्यूरेट हुई है। मित्रों, जब कभी थोड़ा सा मिसमैच होता है बताने में और आपके लाइफ में, तो उसका सीधा सा प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं आपकी कुंडली का एनालाइज करने में कहीं थोड़ी सी त्रुटि हुई, या आपकी डेट ऑफ बर्थ समय टाइमिंग कहीं कोई त्रुटि ज़रूर होती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, वो विज्ञान है एक ज्योतिष, ये कभी गलत नहीं होता है। गणनाएँ गलत हो सकती हैं, हमसे आपसे त्रुटि हो सकती है, ज्योतिष से नहीं होती। तो उनका प्रश्न था कि किस क्षेत्र में उनकी सिस्टर जाए तो बेहतर रहेगा। तो साक्षी जी आपको बताना चाहेंगे कि बहन जो आपकी हैं उनका आत्मबल बहुत ही कमज़ोर है, बहुत मजबूत आत्मबल उनका नहीं है, सब कुछ आत्मबल से ही होता है। तो उनके लिए बताना चाहेंगे, उनकी कुंडली में कालसर्प दोष भी है। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी दोष का कोई टेंशन नहीं लेना, सबसे बड़े प्रभु हैं, उनकी आप आराधना बताएंगे, कुछ उपाय छोटे छोटे बताएंगे, सब कुछ बेहतर होगा। और गवर्नमेंट जॉब की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अभी आपको हम कुछ उपाय बताएंगे। आप इनके लिए जो है थोड़ा सा ये करिएगा कि ये प्रयास करें ये इंजीनियर लाइन में जाएं, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन जो होगी इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगी प्राइवेट सेक्टर में। और प्रयास करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद हुआ तो जॉब भी अच्छी से मिल जाएगी। उसके लिए शिव आराधना करें, अगर आपके पास कोई शिव मंदिर है तो प्रतिदिन शिव आराधना करें सच्चे मन से, हमेशा कंटिन्यू लाइफ टाइम प्रभु की पूजा करें, प्रभु की भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करें और सच्चे मन से आराधना करें, अपनी समस्याएं प्रभु को अर्पित करें। उसके साथ साथ हम आपको थोड़े से उपाय बताएंगे। और अभी ये आपका अप्रैल तक का समय थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, अप्रैल के बाद थोड़ा सा सही होगा। आप शिव आराधना करिए सच्चे मन से, और सैटरडे को राहु केतु का दान करिएगा शनिवार के दिन। ये आप 5 से 7 शनिवार लगातार करिएगा। दान में आपको या तो लोहा लेना है, तो लोहे की कोई वस्तु लेना है, सरसों का तेल लेना है, या तिल का तेल लेना है, या सप्तधान लेना है। सप्तधान मतलब 7 तरह के अनाज होते हैं, इन चारों में से कोई एक, या यथाशक्ति 2 चीज़ें, या यथाशक्ति 4 चीज़ें। आप यथाशक्ति दक्षिणा लगाकर शनिवार के दिन किसी सुयोग्य निर्धन गरीब व्यक्ति को जो इसके योग्य हो, या किसी ब्राह्मण जन को आप यथाशक्ति दक्षिणा लगाकर 5 से 7 शनिवार दान करिएगा, प्रभु भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करिएगा। फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, 2 से 3 महीने में, 80 से 90 दिन में आप में बताइएगा, रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा। ज्योतिष एक विज्ञान है, चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे। ये उपाय करने से चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। जो आपका मन में आत्मविश्वास की कमी है, मन आपका ठहरता नहीं है, उसमें सब में ज़बरदस्त लाभ होगा। जो हमारे नियमित वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, इसी तरह के नए ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। बेल आइकन से ही होगा मित्रों, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।